अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम आज अपना नया कोर्स शुरू कर रहे हैं और हमारा नया कोर्स इज रिगार्डिंग जिनिंग प्रोसेस, ठीक है ना। देखिए, वैसे मैंने आपको जैसे पिछले वाले उसमें प्रोग्राम में बताया था, पिछले वाले कोर्स में बताया था कि हम लोग तो बेसिकली जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये सारे काम करते हैं तो हम ज्यादातर उसको स्पिनिंग से स्टार्ट करते हैं, यार्न से स्टार्ट करते हैं। हमारा काम नहीं होता कि हम पीछे जिनिंग में जाएं या कॉटन में जाएं, लेकिन मैं समझता हूं कि एक बैकग्राउंड होना चाहिए आपका, कॉटन क्या होती है, जिनिंग क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। इसलिए जो हमारा पिछला वाला कोर्स था, कोर्स नंबर 1, उसमें हमने कॉटन के बारे में सारा बताया था। अब इस मरतबा मैं आपको थोड़ा जिनिंग के बारे में बताऊंगा और इसके बाद फिर हम स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, शिपमेंट, एक्सपोर्ट एंड सो एंड सो ऑन हम उसको लेके जाएंगे। थोड़ा सा जिनिंग को जरा समझ लें। जिनिंग बहुत सिंपल सी चीज होती है। जिनिंग क्या होती है? आपके कपास के अंदर से जो उसका सीड है, कपास के पौधे में एक बीज होता है, सीड होता है, उस कपास के पौधे में से सीड को अलग करना, बस और कुछ भी नहीं जिनिंग। जिनिंग सिंपल सा फॉर्म पे बता रहा हूं, कपास के पौधे से उसके बीज को निकालना, कपास को अलग कर देना, बीज को अलग कर देना, बस। इस बीज को दोबारा उसको उगाने के लिए, नई कपास उगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक है कपास से। तो कपास, लेकिन ये दो तरीके से होती है। एक होती है मैन्युअली, के हाथ से कपास का पौधा तोड़ा, मिसाल दे रहा हूं, और उसमें से बीज निकाला और बीज निकाल के सामने रख दिया, ये मैन्युअली भी होती है। दूसरा तरीका यह है, ये मैकेनिकल वे में होती है। अब मैं आपको यहां मैकेनिकल वे भी दिखाता हूं। पहले तो आप ये देखें, ये मैन्युअली कैसे हो रही है। ये इस तरह से मैन्युअली होती है, ये कपास के पौधे को तोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं और उसमें से काम कर रहे हैं। और मैकेनिकल वे में कैसे होती है, मशीनों से, ये तरीका, ये देखें, ये मशीन से हो रही है, ठीक है ना। मशीन का भी पूरा प्रोसेस होता है। जब ये मशीन, इसीलिए चूंकि अब मॉडर्न वर्ल्ड हो गई है, एग्रीकल्चर चीजें इतनी ज्यादा फास्ट हो गई हैं कि अब सब कुछ मॉडर्न हो गया, इसलिए हम मैकेनिकल वे की ही बात करेंगे। तो जब ये मैकेनिकल वे में ये निकाली जाती है, क्या नाम है, कपास को प्लक आउट किया जाता है, निकाला जाता है, तो देखिए इसके ये येलो रंग आप देख रहे हैं, ये सारा इसके पीछे बेल्स बन रही है, बेल्स देख रहे हैं, ये बन रही है बेल्स। फिर ये इसी तरह ये मशीन से वो बेल्स बननी शुरू जाती है, यानी कपास प्लक आउट होती है और वो बेल्स में चली जाती है। इसके बाद ये होता है, ये देखिए, बेल्स को फिर फाड़ा जाता है, खोला जाता है और जिनिंग फैक्ट्री में लाया जाता है। जिनिंग फैक्ट्री की क्यों जरूरत पड़ती है? काम तो बहुत आसान है, सोचना दे यार, उसके अंदर से बीज ही तो निकालना है कपास में से, कौन सी बड़ी साइंस है? नहीं, बहुत बड़ी साइंस है ये। मैं आपको जो सारी बातें बता रहा हूं, ये सारी मैं आपको एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिहाज से बता रहा हूं, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिहाज से बता रहा हूं, मर्चेंडाइजिंग के लिहाज से बता रहा हूं। मैं आपको मॉलिक्यूल साइंस, केमिस्ट्री को नहीं बता रहा। तो इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम जल्दी से समझते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। कपास का बीज कपास से अलग करना एक आसान सा काम है, हमारी जबान में कहते हैं बच्चों वाला काम है। इसके लिए जिनिंग फैक्ट्री की क्या जरूरत है, बताता हूं। मैंने पिछले जो हमारा अभी जो गुजरा है लास्ट कोर्स, उसमें मैंने आपको कपास के बारे में बताया था सब कुछ। अगर जिसने नहीं देखा है वो कपास का कोर्स, वो कोर्स नंबर 1 जरूर अटेंड करे, तो उसको समझ आएगा है कपास क्या है। कपास के अंदर सारा खेल, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, रिकैप कर देता हूँ। कपास के अंदर सारा खेल रेशे का होता है। रेशा कहते हैं फाइबर को, ये फाइबर है, ठीक है ना। तो रेशा असल चीज है। देखो, जितना लंबा रेशा होगा ना, जितना लंबा रेशा होगा उतना अच्छा लिपटेगा। जहां एक रेशा खत्म होगा वहां से दूसरा रेशा शुरू होगा। जहां पे ये दो रेशे मिलते हैं, खत्म होते हैं, ये देख रहे हैं, जहां ये दो रेशे मिलते हैं वहां पर एक छोटा सा चोंच सी बाहर छोड़ देता है अपना रेशा, छोटी सी चोंच। उस चोंच को कहते हैं नेप्स, कहते हैं वो जो भुर होता है फैब्रिक। ये देखें, ये फैब्रिक में भुर नजर आ रहा है आपको, ये होता है। तो वो कपास का जितना लंबा रेशा होगा उतने कम नेप्स होंगे। अबे लंबा रेशा ये लेकर लिपट रहा है तो कम नेप्स होंगे। ये देखें, ये लंबा रेशा नजर आ रहा है आपको, इसमें कम नेप्स हैं, जोड़ कम है तो नेप्स यानी चोंचे कम है, यानी जो भुर है वो कम है। और ये देखें, छोटा रेशा नजर आ रहा है आपको, इस छोटे रेशे में छोटी छोटी जगह बार बार जोड़ रहा है। तो छोटा रेशा होगा, बार बार जोड़ेगा, बार बार अपनी चोंचे बाहर निकालेगा, उससे क्या होगा, नेप्स होगा और उससे भुर आएगा। भुर दिखाता हूं कैसा है। एक ये भुर है, ठीक है, ये शॉर्ट फाइबर, छोटे रेशा है ना, उससे इस तरह का भुर आता है। और एक ये भुर है, भुर मतलब नेप्स, ये बड़ा रेशा है उसमें से आता है। तो इसीलिए मैंने जो पिछला वाला कोर्स कराया उससे मैंने कार्डेड और कोम्ब सारा बताया, इसलिए वो जरा अटेंड कर लें, वो जरा एक बार देख लें अच्छी तरह।
अब इसी तरह मैंने फिर थोड़ा सा रिवाइज कर दूं, ये आपका पीमा, सुपीमा, इजिप्शियन, गीजा, ये जितनी भी कॉटन के नाम है, इजिप्शियन कॉटन, पीमा कॉटन, ये सब रेशे की लेंथ होती है, रेशे की लेंथ। ये देखें, ये रेशे की लेंथ है, ये पीमा की है, ये सुपीमा की है, ये इजिप्शियन की है, ये गीजा की है, ये अलग अलग है, ये कार्डेट की है, ये कोम्ब की है, ये अलग अलग होती है। जितना लंबा रेशा होगा उतना अच्छा लिपटेगा, उतना अच्छा धागा बनेगा। धागा बनना अच्छा, हम स्पिनिंग करेंगे सारा कुछ वहां बताएंगे, लेकिन बेसिकली रुई के लच्छियां बनती हैं, उसको घुमाया जाता है, स्पिनिंग की जाती है, उससे पतला 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 धागा बनता है, वो हम स्पिनिंग में समझेंगे, लेकिन रेशे को समझ लें असल है। अब आ जाए आप जेनिंग, मैं इतनी लंबी कहानी जो मैंने पूरी की है बैठ के आपको, लैला और मजनू की जो कहानी सुना रहा हूं मैं आपको, वो सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं बैठ के कि आपको मैं लेकर आऊं उस पॉइंट के ऊपर कि जेनिंग की क्या जरूरत है यार, बीज ही तो निकालना है। नहीं नहीं, बीज के साथ एक चीज लिपटी हुई है, बीज चिपका हुआ है ना, किसमें? फाइबर में। आप रुई का बीज उठा के देखें, रुई कैसी होती है, फाइबर का एक मजमुआ होता है ना, उसके अंदर बीज होता है। तो मैं अगर यूं खींच के निकालूंगा तो फाइबर टूटेंगे ना, फाइबर खराब होंगे ना, ये देखें नजर आ रहा है, फाइबर टूटेंगे, फाइबर खराब होंगे, क्योंकि वो तो चिपके हैं उस बीज के साथ। जब फाइबर टूटेगा तो जो इतना बड़ा फाइबर है, इतना बड़ा फाइबर है, वो टूट कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस की बात है ना भाई, जब फाइबर उसमें से नोचेगा, नोचेंगे ना फाइबर को, नोचेगा तो फाइबर इतना बड़ा टूट के इतना सा रह जाएगा फाइबर, ये हो गया शॉर्ट फाइबर। शॉर्ट फाइबर तो फिर यही मसला आप वापस आएगा जो हमने अभी डिस्कस किया, वही नेप्स आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये, एक तो ये मसला, दूसरा जो फाइबर होता है ना, फाइबर रेशा, ये रेशा, ये जैसे हमारे मोबाइल के जो हेडफोन्स यूज करते हैं ना, तो उसके कैसे तारे उलझ जाती हैं एक ना, इस तरह ये फाइबर भी जब आप बीज अलग कर रहे होते हैं उस प्रोसेस में ये उलझ जाता है, उलझ जाता है, ये देखें उलझ जाता है। ये फैब्रिक के ऊपर भी ऐसा बना होता है, ये फैब्रिक के ऊपर ऐसा बनता है, देख रहे हैं। फिर ये ऐसा बनने के बाद जब डाइंग होती है, प्रिंटिंग होती है, तो ये इस तरह का इफेक्ट आता है, ये वो एक ही प्रॉब्लम चले चले आ रहा होता है। इसलिए इन सबसे बचाने के लिए एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। मैकेनिकल प्रोसेस में ये होता है, सबसे पहले ये देखें बेल्स को लेकर आ गए फैक्ट्री में, इनको ये देखें इनको फाड़ा, उनको बाहर निकाला बेल्स को, मतलब कपास को निकाला, उसके बाद इसको सबसे पहले ये देखें ढेर लगा दिया, इसके पास पर सबसे पहले पानी का छिड़काव करते हैं, इसमें मॉइस्चर डालते हैं। देखो जितना खुश्क होगा ना उतना ज्यादा नुचेगा, उसके फाइबर टूटेंगे, जितना जितना गीला होगा, जितना गीला होगा उतनी आराम से निकल आएगा। भाई गीला होगा तो बीज और ये कपास जो कड़क बाहर निकल आएगी, समझ रहे हैं? तो उसको मॉइस्चर करने के लिए, यानी गीला करने के लिए, यानी वेट करने के लिए इसका पानी का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद उसको एक बड़ी मशीन में डाल दिया जाता है, जैसे जिन मशीन कहते हैं, GIN, वो जिन नहीं कह रहा भाई, वो जिन्नात वाला जिन नहीं कह रहा, GIN वाला जिन है, जिन मशीन। इसका बेसिक प्रोसेस ये है, ये आपके सामने है, इसमें से बीज और वो कपास अलग कर ली जाती है, फिर कपास इस तरह से अलग करके ये देखे कन्वेयर बेल्ट से उसमें डाली जाती है, क्या नाम है आपका, वो जो होता है मशीन्स में डाली जाती है। फिर ये वहां पे देखें बेलिंग मशीन है, ये देखें आपने देखा होगा ये बेलिंग मशीन है, और देखें ये बेलिंग्स में कैसे स्ट्रैप्स और हुक्स लग रहे हैं। उसके बाद आप ये देखें तो ये ट्रक में लोड हो रहे हैं, और उसके बाद ये स्पिनिंग फैक्ट्री में चले जाते हैं। ये मैंने सारी कहानी जो आपको सुनाई है ना, हीर रांझा की यहां बैठ के जो समझाई है, वो सिर्फ आपको इसलिए समझाई है कि आपको ये पता हो कि जिनिंग है क्या। इसलिए मैं आपको डीप डाउन जिनिंग की साइंस में नहीं लेके जाऊंगा कि साइंस क्या है, लेकिन जिनिंग बेसिक प्रोसेस बता दिया, बीज को अलग करना है, उसमें नेप्स नहीं आए, नेप्स क्या फिर बता रहा हूं, ये उलझ जाता है जो है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा शॉर्ट फाइबर ना हो, लॉन्ग फाइबर रहे, यानी रेशा लंबा रहे, अच्छा रेशा होगा, लंबा रेशा होगा, लंबा लिपटेगा, जहां से दो रेशे मिलेंगे, दो मिलेंगे वहां वो चोंचे छोड़ते हैं, तो जितना लंबा रेशा होगा उतनी कम चोंचे होंगी, उतनी कम क्या कहते हैं फाइबर डैमेज होगा। ये है पूरा जिनिंग का प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, अब हम इंशाल्लाह अगला प्रोसेस स्पिनिंग का करेंगे। स्पिनिंग को अटेंड करने के लिए आपने कोर्स नंबर 1 और ये कोर्स नंबर 2 जिनिंग पूरा अच्छी तरह समझा हुआ हो, बेहतर है थोड़ा यूट्यूब पे और थोड़ा सा गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा कि ये सब जिनिंग क्या है और कॉटन क्या है। जब ये कर लेंगे तो फिर हम आगे चलेंगे। एक चीज रह गई लास्ट वाले में, एक ऑर्गेनिक कॉटन की कहानी रह गई थी। एक काम करते हैं ऑर्गेनिक, फिर एक काम करते हैं स्पिनिंग में डिस्कस कर लेंगे। वो एक ऑर्गेनिक का मुझे याद आ गया था, मैं बिल्कुल ध्यान से निकल गया था, वो एक ऑप्शन है यार ऑर्गेनिक में। वैसे बता दूं आसान सा तरीका है, वो ऐसे कपास उगाते हैं जिसमें ये फर्टिलाइजर वगैरह और पेस्टिसाइड्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल रॉ होती है। लेकिन इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कॉटन को, जब हम स्पिनिंग करेंगे, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों के साथ बड़ा मजा आ रहा है, आप लोगों कमेंट्स देख के। अच्छा भाई, इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में हर जगह शेयर करें, क्या ख्याल है?